बजट में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी इस बात पर बल दिया गया है कि जिस प्रकार के आधुनिक भारत के निर्माण में जो जो स्किल की जरूरत है उस फोकस को बल दिया जाएगा और स्किल में भी एरिया को फोकस करने के कॉम्बिनेशन पर बल दिया जाएगा। जैसे डिग्री कोर्सेज में एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल बॉडीज में इंटर्नशिप और ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज की भी व्यवस्था का ऐलान किया गया है। भारत से जो युवा नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ब्रिज कोर्सेज की व्यवस्था भी की जा रही है। एक्सपोर्ट और एमएसएमई सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ड्राइव करता है। बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अनेक नई घोषणाओं के साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना का इसमें निर्णय लिया गया है। छोटे उद्यमों की फाइनेंसिंग के लिए भी कई नई पहल हुई है। आधुनिक भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही महत्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा आधार होता है, ये सबको जानते हैं। 100 लाख करोड़ रुपए से 6500 प्रोजेक्ट्स का निर्माण बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तो बढ़ाएगा, देश के विकास के हर क्षेत्र को वो एक नई ताकत देगा। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से भी व्यापार, कारोबार और रोजगार तीनों क्षेत्रों को लाभ होगा। देश में 100 एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य सामान्य मानवीय की हवाई उड्डयन को नई ऊंचाई देगा। बैंकों में, और ये खास करके मध्यम वर्ग के लिए होता है, निम्न मध्यम वर्ग के लिए होता है, वो अपने जीवन की पूंजी को बचा के रखता है और कभी संकट में पड़ जाता है, बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है ये विश्वास दिलाने के लिए अब डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब कि एक प्रकार से जो छोटे डिपॉजिटर्स होते हैं 98 से 99% लोग इससे सुरक्षित हो जाएंगे। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की कमिटमेंट को इस बजट ने और मजबूत किया है। आज सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई अलग अलग परीक्षाएं देनी होती है। नौकरी के लिए साल में ट्रैवलिंग करता है, अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाता है, बार बार वो एंट्रेंस नौकरी के लिए परीक्षाएं देता रहता है। इस व्यवस्था को बदलकर अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा लिए गए ऑनलाइन और वो भी डिस्ट्रिक्ट में कॉमन एग्जाम के जरिए नियुक्ति की जाएगी। एक ही एग्जाम होगी, बैंक वाला भी उसका उपयोग कर सकता है, रेलवे वाला भी उपयोग कर सकता है, सरकारी अन्य विभाग भी उपयोग कर सकते हैं। इसके कारण युवकों को बार बार अपना समय इस काम में नहीं लगाना होगा। किसानों के लिए अपने उत्पादों को सही तरह से मार्केट करने और ट्रांसपोर्ट के लिए किसान रेल और कृषि उड़ान के द्वारा नई व्यवस्था बनाई जाएगी। मुझे विश्वास है ये बजट इनकम और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम और क्रेडिट फ्लो में नई स्फूर्ति लाएगा। ये बजट देश की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही इस दशक में
भविष्य की अपेक्षाओं की भी पूर्ति करेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।